हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एंड स्कूल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप ईमेल की इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकती हो। तो आपको मैं एक टूल बताऊंगा जिसके जरिए आप ईमेल की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने मोबाइल की और आईपी की इन्फॉर्मेशन कैसे निकालना है वो देखा, मतलब आईपी को कैसे ट्रेस करें और मोबाइल नंबर को कैसे ट्रेस करें। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में हम किस तरह ट्रेस करेंगे, मतलब किस तरह इन्फॉर्मेशन निकालेंगे ईमेल के बारे में। तो इसके लिए हम यूज करेंगे MOSINT, मतलब MOSINT, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं और मॉस इन भी बोल सकते हैं, तो इसका नाम कुछ भी हो सकता है। ओके, मतलब इसका कोई फुल फॉर्म है क्योंकि एक शॉर्ट फॉर्म है MOSINT, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस टूल का हम यूज करने वाले एक देख सकते हैं, एन ऑटोमेटेड ईमेल MOSINT टूल, मतलब ईमेल की ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन निकालने वाला टूल, इसको हम यूज करने वाले इस वीडियो में। तो ये जो गिटहब पेज है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस MOSINT टूल फॉर ईमेल्स, इट हेल्प्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट टारगेट। तो टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन, टारगेट ईमेल के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है। तो अब हम देखते हैं इसके फीचर्स। तो ईमेल वैलिडेशन, मतलब ये चेक करता है कि टेम्पररी ईमेल है या रियल ईमेल है, मतलब .google.com का, यार वो डिस्पोजल ईमेल होता है उस तरीके का ईमेल है वो ये चेक करता है, और वैलिडेशन से हमें बताता है कि ईमेल रियल है और फेक है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कोई भी फेक अकाउंट और कोई भी फेक ईमेल को यूज कर रहा है या नहीं। तो चेक सोशल अकाउंट्स विद सोशल स्कैन और होले है, तो इन वेबसाइट्स का यूज करके चेक करता है कि इसमें कोई, इस ईमेल से कोई सोशल अकाउंट है, मतलब जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, मतलब जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट है वो इस ईमेल के अवेलेबल है या नहीं। और उसके बाद डाटा ब्रिजेस और पासवर्ड लिस्ट भी है, चेक करता है, फाइंड रिलेटेड ईमेल्स एंड डोमेन्स, तो ईमेल के रिलेटेड डोमेन जो होते हैं और जो भी रिलेटेड ईमेल्स है वो चेक करता है। और आपको पता होगा पेजबिन क्या होता है, तो अगर इसका कोई डाटा है पेजबिन में और ड्रोबिन में तो वो आप में डम करके देता है, या गूगल सर्च में या DNS लुकअप करके, IP लुकअप करके अगर इस ईमेल की कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो भी हमें देता है। और लास्ट फीचर है आउटपुट टू टेक्स्ट फाइल, तो इससे हम जो भी आउटपुट आता है ईमेल का, जो भी इंफॉर्मेशन निकालती है वो हम टेक्स्ट फाइल में डाल सकते हैं, मतलब जब भी आपको कभी भी इंफॉर्मेशन लगेगी तो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। तो एक इसका फीचर है। तो देखते ही कौन सी वेबसाइट का यूज करता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इतनी वेबसाइट का यूज करता है। तो पासवर्ड लीक के लिए, डाटाबेस लीक के लिए, ब्रीच साइट के लिए और रिलेटेड ईमेल्स देखने के लिए। तो ये जो देख सकते हैं अभी अगर स्टेटस दिया हुआ है, तो इनमें से कुछ जो सर्विसेज है उनको विदाउट की हम यूज कर सकते हैं, जो भी API की होती है तो विदाउट की भी हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और जो कुछ वेबसाइट है उनके लिए आपको उनकी API की जनरेट करने पर, मतलब पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देते हैं अगर आप इसका कोई गलत इस्तेमाल करते हैं तो। मतलब आपको सर्च करने के लिए, मतलब आप इनको पता होना चाहिए कि किसने किसकी इंफॉर्मेशन निकाली है, तो इसके लिए आपको उन पर अकाउंट बनाना पड़ेगा उन वेबसाइट पर, और आपको की मतलब की क्रिएट करनी पड़ेगी और आपको यूज करनी पड़ेगी। तो हम इस वीडियो में की नहीं क्रिएट करेंगे, हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, पर अगर आप मतलब बहुत मस्त अच्छा इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो की जरूर क्रिएट कर लेना। तो सेव योर API की इन key.json, तो इसने पर दिया है कि किस तरह की को सेव करना है। तो इंस्टॉलेशन करिए यहाँ पर स्टेप दिया है, और इसको कैसे यूज करना है वो भी यहाँ पर स्टेप दिए हुए है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इंस्टॉलेशन कैसे करना है और इस टूल को कैसे यूज करना है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली कमांड को कॉपी करेंगे, तो ये जो ये इंपॉर्टेंट कमांड है गिट क्लोन की, तो ये तो लगेगी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आप भी कॉपी कर सकते हैं। और हम जाते हैं टर्मक्स में और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है। ओके, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और एंटर। तो अब ये क्लोनिंग होना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ी देर वेट करते, हो गया, तो यस करते, ये देखो हमारा फोल्डर बन चुका है। इसके अंदर हम जाएंगे CD कमांड से, ओके MOSINT, और चले गए ls करते हैं फिर से, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर के फोल्डर्स आ चुके। तो हम एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले परमिशन दे देते जिससे कभी भी एरर ना आए, तो परमिशन के हम देते +4 से और 77 से भी देते, ओके CHMOD सॉरी +X, ओके। और हम यहाँ पर स्टार डाल देंगे जिससे कि सारे के सारे जो भी फाइल्स है यहाँ पर उनको परमिशन मिल जाए। तो हम फिर से ls करते, देखो सारे के सारे ग्रीन हो चुके, मतलब सबको परमिशन मिल चुके। तो हमें अब इम्पोर्टेंट फाइल है main.go, और तो इसका आप एक्सटेंशन देख सकते हैं .go है, मतलब इसको रन करने के लिए हमें गो लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें गो का कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो चलो इसको क्लियर करते हैं और फिर सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे टर्मस में गो है या नहीं।
ओके गो नहीं है, आप देख सकते हैं पीकेजी गो इज नॉट इंस्टॉल्ड, तो इसको क्लियर करते हैं और सबसे पहले पीकेजी का यूज करके हम गोलैंग इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके तो देखो इंस्टॉलेशन चेक कर रहा है, थोड़ी देर में इंस्टॉल कर लेगा, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। ओके अनबाउंड वेरिएबल कुछ एरर आ चुका है लगता, मुझे मुझे इसको सबसे पहले एपीडी अपडेट से अपडेट कर लेना होगा, क्योंकि मैंने अपडेट नहीं किया है। तो मैंने आपको बता देता हूँ कि अभी जो भी आप नया टूल इंस्टॉल करते हैं तो आपको एपीडी अपडेट और एपीडी अपडेट ट्राई कर लेना है, जिससे कि कभी भी इंस्टॉलेशन में कोई भी एरर नहीं आता है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तब तक ये फिर से फेल हो चुका है। मुझे लगता है मुझे पीकेजी या इंटरनेट का इश्यू है, तो मैंने पीकेजी से ट्राई करता हूँ। पीकेजी अपडेट के वेट करते हैं। तो कूल नॉट कनेक्ट, ओके कूल कुछ इंस्टॉलेशन कर रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, आप वीडियो पॉज कर लेता हूँ और डायरेक्टली अपडेट के बाद जब हम गोलैंग इंस्टॉल करेंगे तब मैं वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये अभी भी इंस्टॉल ही हो रहा है, तो मुझे फिर से पॉज करना पड़ेगा। तो हम मैं आपको डायरेक्टली अभी पूरा अपडेट होने के बाद दिखाता हूँ कैसे गोलैंग को इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अपडेट हो चुका है, तो हम डायरेक्टली गोलैंग को इंस्टॉल करते हैं। तो वो हम इस बार एपीटी का यूज़ करेंगे, क्योंकि पिछले बार पीकेजी फेल हो चुका था, तो हम डालेंगे एपीटी इंस्टॉल गोलैंग। ओके इंस्टॉल, देखो ये इंस्टॉल हो रहा है। 71.6 MB की फाइल है, तो इसमें भी बहुत देर लगेगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा फिर से, तो मुझे फिर से पॉज करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गोलैंग मोस्टली इंस्टॉल हो चुका है, मतलब अभी डाउनलोडिंग हो चुकी है और अब इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो 20% ओके हो चुका है आप देख सकते हैं। तो इसको मैं फिर से क्लियर कर लेता हूँ। तो इस तरह आपको पर सबसे पहले गोलैंग को इंस्टॉल कर लेना है, अगर आपके टर्मस में या और लिनक्स में नहीं है तो। फिर से एलएस करेंगे, तो हम कमांड देंगे गो, ओनली गो देंगे, उसके बाद रन, और उसके बाद डालेंगे फाइल का नाम और एंटर करेंगे। तो अब ये फिर से डाउनलोडिंग करेगा, मतलब इसको जो भी फाइल्स लगने वाली है इस टूल को रन करने में, वो ऑटोमेटिक सब कुछ इंस्टॉल कर देगा। तो थोड़ी ही देर लेगा, आप देख सकते हैं ईमेल वेरीफायर, SDK, गूगल सर्च, जो भी इसको लगने वाला है ये सब कुछ डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा गिटअप से, और हमें एक रेडीमेड टूल दे देगा। तो इसके लिए भी थोड़ा वेट करते हैं। तो ये अभी डाउनलोड ही हो रहा है, ये कितना देर लगेगा मालूम नहीं, हो जाओ हो जाओ। बहुत टाइम ले रहा है, तो ये नेटवर्क का इश्यू भी हो सकता है, और कभी कभी डाउनलोडिंग होने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। ओके तो हम इसको इस प्रोसेस को किल कर देते हैं। ओके हम कंट्रोल सी दबा देते हैं। ओके तो ये मालूम नहीं क्यों टाइम ले रहा था, तो हम क्या करेंगे फिर से इसको रन करेंगे। ओके क्योंकि कुछ बार क्या होता है कि हार्ड इंस्टॉलेशन की वजह से टर्मक जो होता है वो हैंग हो जाता है, और आगे कुछ नहीं दिखा था इंस्टॉल होने के बाद भी, तो हम फिर से इसको रन करेंगे। ओके वेट करते हैं अब क्या होता है। ओके आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉन्च हो चुका है उसका पूरा का पूरा। तो ऐसे ही आपको भी करना है अगर आपका टर्मस हैंग हो जाता है। ओके तो इसकी वजह से देखो यहाँ पर कुछ वार्निंग भी आई है, मुझे लगता है कुछ अनसपोर्टेड फ्लैग्स है, तो कोई बात नहीं इसको जाने देते। तो यहाँ पर टूल लॉन्च हो चुका है, उसकी जो हेल्प है, डिस्क्रिप्शन है, जो भी ऑप्शन है, वो सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस ई है, जिससे हमें ईमेल सेट करना है।
और यहाँ पर वो सब जो भी ऑप्शन है वो आगे हमें देने, सबसे पहले ई देना पड़ेगा माइनस ई, उसके बाद माइनस वी, माइनस वेरीफाई और वेरीफाई करने के लिए, और माइनस सोशल, और सोशल स्कैन करने के लिए मतलब टारगेट ईमेल किसी सोशल मीडिया अकाउंट से बिलोंग करता है या कि नहीं, मतलब किसी सोशल मीडिया पर अकाउंट है या नहीं, और उसके बाद माइनस रिलेटेड मतलब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और ईमेल्स फाइंड करने के लिए, माइनस लीक्स, लीक्स पासवर्ड और कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, और माइनस डम्स ओके पेस्ट बिन में जो भी इंफॉर्मेशन होगी अगर इस ईमेल के बारे में तो वो हमें ला कर दे देगा, माइनस डोमेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट टारगेट ईमेल डोमेन, मतलब जो भी अगर हमने गूगल का ईमेल है, सॉरी जीमेल का ईमेल है और याहू का ईमेल है, तो कोई भी ईमेल होगा तो उसकी जो डोमेन है मतलब जो कि जीमेल का डोमेन है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दे देगा कि इसका आईपी, डोमेन का आईपी क्या है, क्योंकि कुछ बार ऐसा होता है कि कभी कभी कोई मतलब सेल पोस्टर डोमेन के ईमेल होते, मतलब उनके खुद के जीमेल, उनका खुद के मेल होते, तो उस बार मतलब अगर आपको कोई मेल करता है फेक मेल से और खुद के सर्वर से, तो आप उससे ट्रेस कर सकते हैं कि उसके सर्वर की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद माइनस ओ है जिससे आप टेक्स्ट फाइल में जो भी आउटपुट आया वो सेव कर सकते हैं, माइनस वी वर्जन चेक करने, और माइनस ई एच इसी जो हेल्प आ रही है यहाँ पर इशू को दोबारा प्रिंट करने के लिए, माइनस ई एच, और माइनस ऑल फीचर्स। माइनस ऑल फीचर्स से क्या होगा, आपको माइनस ऑल डाल देना है, आपको इतने सारे ऑप्शन डालने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही कमांड में आ जाएगी। तो चलो ट्राई करती है इसको, हम फिर से कमांड देने देंगे गो रन मेन डॉट गो ओके, और उसके बाद हम ईमेल डालेंगे, तो ईमेल में मेरा डालता हूँ एन डॉट ए एन ओ एन वाई हमारे यूट्यूब चैनल का ओके, ओके तो एक बार हम वेरीफाई चेक कर लेते कि मेरा ईमेल वेरीफाइड है या नहीं ओके, मैं एंटर करता हूँ, थोड़ी देर लगेगी, कभी इंटरनेट स्पीड भी डिपेंड करता है इसको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इज रिक्वायर्ड, तो इज रिक्वायर्ड का मतलब ये कि ये ऑप्शन हमें देना ही पड़ेगा कि नहीं, मतलब ईमेल तो देना ही पड़ेगा क्योंकि उसके बिना कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकल सकता ओके। तो यहाँ पर देखो इसने वेरीफाइड बता दिया, नॉट डिस्पोजल मोड मतलब ये वेरीफाइड है, और ईमेल डॉट आर पी आई पी एपीआई की इज नॉट सेट, तो हमने एपीआई की नॉट सेट नहीं की थी, अगर हम एपीआई की सेट करते तो ये और भी इंफॉर्मेशन देता, मतलब अगर आप एपीआई की यूज करते तो ट्राई करके देखना कुछ अलग इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं, तो बहुत इजी, आपको ये वेबसाइट पे जाना है और आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, नहीं तो मैं स्पेशल वीडियोस भी बनाऊंगा। और उसके बाद यहाँ हमारा सोशल का ऑप्शन, तो इसको मैं यहाँ पर डालता हूँ सोशल SOCIAL और करता हूँ एंटर, तो मैंने क्या किया मालूम है, और जो हाँ एरो की होती है इस तरह की, ये देखो यहाँ पर एरो कीज है, तो मैंने ये की दबाई और मैं यहाँ पर कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से वो कमांड ऐसी कैसी आ गई थी, तो देखो इसने एरर दे दिया, कुछ तो प्रॉब्लम है ओके। तो हमने क्या किया मालूम है, हमने ये फाइल इंस्टॉल नहीं की जो कि रिक्वायरमेंट डॉट txt थी, तो एक मिनट हम अभी कर लेते PIPR, आपको इस तरह का कमांड देना है, और उसके बाद ये जो लास्ट फाइल है उसका नाम, तो आप हमें पहले इंस्टॉल करना था पर याद नहीं ओके, कुछ सॉरी PIP कमांड रॉन्ग हो गई, मैं यहाँ पर कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ एक्सटर्नल, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर कीबोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कीबोर्ड की वजह से जो हाफ स्क्रीन है वो ढक जाती है, तो इसलिए मैं एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ ओके। देखो ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, उसके बाद हमारा जो टूल है वो परफेक्टली वर्क करेगा और कुछ भी एरर नहीं आएगा। तो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मतलब आपको बाद में कोई एरर आए तो मतलब कुछ कोई एरर ही ना आए बाद में, तो ये फिर से रुक गया लगता है ओके, नहीं, चल रहा चल रहा, ऐसे बहुत बार होता है, अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि टर्मक्स में ही ज्यादातर ऐसी प्रॉब्लम होती है ओके। गेटिंग रिक्वायरमेंट बिल्ड, चल चल लगता है हो चुका है, तो मैं इसको फिर से कंट्रोल सी कर देता हूँ ओके ओके, इसको मैं फिर से क्लियर करता हूँ, और फिर से हम रन करेंगे उस टूल को गो रन, और उसके बाद जो फाइल का नाम था मेन डॉट गो एंटर करेंगे ऑप्शन देखने के लिए,
चलो चलो हाँ ओके ओके, यहाँ पर फिर से सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर देखो एरो की यूज करता हूँ, जो हमारी पिछली कमांड थी मतलब पहले हमने कमांड दी थी तो वो हिस्ट्री में देखने के लिए, तो देखो फिर से वो कमांड आ चुकी है। अभी हमें सिर्फ एंटर करने की जरूरत है, तो देखते हैं अब कोई एरर आता है कि नहीं। मुझे तो लगता अगर कोई एरर आता है तो हमें फिर से वो जो इंस्टॉलेशन वाली फाइल थी उसको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके फिर से एरर आ चुका है, तो चलो एक बार कर लेते। ओके और चलो एक बार देख लेते इंस्टॉलेशन के, वो अभी इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि हमने पहले से ही सारे मतलब इंस्टॉल कर लिए, तो थोड़ी देर में हो जाएगा। तो ऐसा हर बार नहीं होता पर इस बार थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लाइव इंस्टॉलेशन में ऐसा बार बार होता है, मतलब सारे यूट्यूब चैनल वाले आपको लाइव नहीं दिखाते, वो पहले से इंस्टॉल करके रखते और डायरेक्टली मतलब फिर से इंस्टॉलेशन करके दिखाते, पर पहले से इंस्टॉल होने के कारण वो बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। ओके जो इंस्टॉलिंग बैकएंड डिपेंडेंसी, तो ये रहेगा था हमारा। चलो वेट करते हैं। ओके ओके ये भी रहेगा था। इसकी वजह से थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलो कि कितने डिपेंडेंसी इसको इंस्टॉल कर रहा है मालूम नहीं, तो जब तक इंस्टॉल होता है तब आपको बता दूं कि प्रोसेस क्या हो रहा है। तो ये सभी के सभी पाइथन के पैकेजेस हैं जो कि ये इंस्टॉल कर रहा है। पीआईपी मतलब एक पैकेज इंस्टॉलर होता है, मतलब मॉड्यूल इंस्टॉलर होता है पाइथन का, जिससे हमें सारे के सारे जो पाइथन के मॉड्यूल्स है लाइब्रेरीज है उसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो वो जो लास्ट की फाइल थी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, वो उसमें सारे मॉड्यूल्स के नाम लिखे होते हैं और हमें डायरेक्टली पीआईपी डालना होता है और उसके बाद आगे फाइल के नाम डाल देना है, और उसके बाद जितने भी पैकेजेस उस फाइल में लिखे होते हैं जिसमें भी नाम होते हैं वो सारे के सारे इंस्टॉल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो अभी ये सारे के सारे इंस्टॉल हो रहे हैं, तो इन इस टूल को बहुत सारे पैकेज लगने वाले। तो आपको ये जो कमांड है वो पहले ट्राई कर देनी है, फिर इसको यूज करना है। तो चलो ये इंस्टॉल हो रहा है तो हम क्या करते हैं, एक न्यू टैब ओपन करते हैं यहाँ से। ये देखते कि अभी चलता है कि नहीं। ओके तो यहाँ पर हिस्ट्री काम नहीं करेगी कि हम न्यू टैब में थे, तो हम इसको क्लियर कर देते और मैन्युअली करते हैं फिर से कमांड। ओके तो हम डालेंगे गो मेन डॉट गो सॉरी रन मेन डॉट गो, उसके बाद ई मेरा ईमेल आईडी। उसके बाद सोशल और एंटर। तो एक बार देख लेते कि वो कंप्लीट हो चुका है कि नहीं। ओके तो ये अभी भी चल ही रहा है, तो इसको होने देते हैं हम न्यू टैब में। ओके 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 आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, इसमें चलते हैं। ये देखो फिर से एरर आया, तो हम फिर से ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब मुझे नहीं लगता कि कोई एरर आएगा। ओके ये अच्छे से रन चुका है, अभी आउटपुट का दे रही है बस, अभी आउटपुट आ जाएगा। ओके आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है और गिटहब पे सोशल मीडिया पे अकाउंट है। तो ये यूट्यूब और गूगल वगैरह ये दिखा था क्योंकि आपको पता ही है सोशल मीडिया अकाउंट्स इसके मतलब गिटअप और इंस्टाग्राम ये दिखा रहा है। यूट्यूब के तो आजकल सारे के सारे अकाउंट्स थे, मतलब जिसके भी गूगल पे अकाउंट है उसका यूट्यूब पे अकाउंट होता ही है, तो वो ये नहीं दिखा था। ओके क्योंकि जीमेल ही है, अगर जीमेल है तो आपको यूट्यूब पे अकाउंट बनाना ही पड़ता है। ओके तो कोई भी जान सकता है, तो इसलिए वो ये नहीं देखा था। तो चलो अब बाकी ऑप्शन देखते फिर से, तो फिर से हमें रन करना पड़ेगा। अभी ऑप्शन देखने के लिए हमें इस को काट देना है और उसके बाद हमें ये डालना है।
ओके, तो ये थोड़ा देर लगता है, लगाता है। चलो इस बार हम जो लास्ट का ऑप्शन था वो ट्राई करेंगे, ये देखो ये ऑल वाला। ओके, आप बाकी ऑप्शन ट्राई कर लेना क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा, इस सोशल को निकाल दूंगा और उसकी जगह डालूंगा ऑल, और अब मैं करूँगा एंटर। तो इससे अब सारे के सारे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो आपको भी ऑल ही ट्राई करना है जिससे कि आपको एक ही बार में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये फिर से कुछ मुझे लगता है कोई इंस्टॉलेशन कर रहा है, ऐसा लगता है, या इंफॉर्मेशन निकल रहा है मालूम नहीं। तो चलो देखते हो रहा है, नहीं इंफॉर्मेशन निकल रहा है मुझे लगता है। मैं भी इस टूल को पहली बार यूज कर रहा हूँ आपके सामने। ओके, तो आप देख सकते हैं इसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी। तो आप देख सकते हैं मैं भी ये नेक्स्ट टाइम यही ऑप्शन ट्राई करूंगा ऑल। तो आप देख सकते हैं इसने पहले सभी इंफॉर्मेशन निकाल ली। नो ऑथराइज वेरीफाई द एपीआई की, एपीआई की नहीं है। तो देखो वेरीफाइड ईमेल है, उसके बाद गिटहब पे और इंस्टाग्राम पे मेरे अकाउंट है, रिलेटेड ईमेल जीमेल अब्यूज एट द रेट गूगल डॉट कॉम। ओके, रिलेटेड डोमेन्स देख सकते हैं आप, जितने भी रिलेटेड डोमेन्स है मेरे, देखो जिसमें एनोनिमस वर्ड है और बाकी रियल नहीं है, क्योंकि आपको एपीआई की यूज करना पड़ेगा। इससे आपको सारी की सारी रियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो गूगल प्ले का नहीं, ये भी मेरा नहीं है। तो बाकी इंफॉर्मेशन सर्च है, बाकी मतलब रिलेटेड है। देखो इसने बताया रिलेटेड डोमेन्स, ओके एग्जैक्ट रिलेटेड नहीं है, पर ये देखो पासवर्ड लिक्स नो, ओके और इंटेलेक्स में पासवर्ड लिक्स नहीं है। पेज बीम में कुछ डाटा मिला है, ओके तो आपको देख लेना है क्या डाटा है, आपके भी ईमेल का मिल सकता है। ओके देखो यहाँ पर आईपी एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन दे दे दी, किसी इंफॉर्मेशन है जीमेल डॉट कॉम की, मतलब यहाँ पर देखो क्या ऑप्शन था वो डोमेन। ओके, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट टारगेट ईमेल डोमेन, तो ये इंफॉर्मेशन है वो, मतलब मैं जीमेल डॉट कॉम का डोमेन यूज कर रहा हूँ, मतलब जीमेल का मेल यूज कर रहा हूँ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जीमेल की है, अगर आप कोई और यूज करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखो इसने सारी इंफॉर्मेशन दे दी। तो इस तरह आप इस टूल का यूज कर सकते हैं, कि इससे बेहतर टूल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टूल एक ही टूल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देता है, जैसे कि वेरीफाई, सोशल मीडिया अकाउंट्स, लीक्स, डम्स, डोमेन, मतलब बहुत कुछ है। और आप इसको सेव भी कर सकते हैं आउटपुट से। सेव करने के लिए आपको सिर्फ माइनस ओ लगाना है, और उसके बाद आपको फाइल का नाम दे देना है, या आप फाइल का नाम नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह ये टूल था। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम और जानेंगे, और कोई अच्छे टूल जानेंगे। इस वीडियो में हमने इसको देख लिया, तो इस वीडियो में इतना ही। आप मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टूल्स को लेकर, और तब तब देखते रहिए एंड स्कूल का यूट्यूब चैनल। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और दोस्तों वीडियो भी जल्दी आ जाएंगे सारे के सारे। तो हमने दो प्लेलिस्ट बनाए थे यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो, इसलिए इंस्टॉलेशन भी टाइम लगता है और YouTube चैनल लोड होने में। तो पहली प्लेलिस्ट ये थी लेकिन विद एंड्रॉइड कोर्स के, तो वो भी आधी है और मैंने ये स्टार्ट कर दी आधे में। ओके, तो उसके भी मैं जल्दी वीडियो डालूंगा, मुझे टाइम नहीं मिलता इसलिए। तो यहाँ पर हमारे दो प्लेलिस्ट है, तो उसको भी मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि उस पर इतने व्यूज नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया, कि मैंने देखा कि जो भी पहले के वीडियोज है उन पर कितने व्यूज आते हैं। तो अभी मैं दोनों पर वीडियोज डालूंगा, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।